जी राम राम जी, हमारा यूट्यूब चैनल में नया वीडियो में था, सबको स्वागत है। तो आ देखो या अभी नई डिजाइन में कपड़ो चार रहे जो वो ले जू, तो या पूरा कपड़ो 15 मीटर ले जू, मई माँ ना 15 मीटर ले जू पूरा कपड़ो, तो बहुत सुंदर ड्रेस बनाऊं ली मैं। ओढ़नी लहंगो और ब्लाउज सेम रह लो, ओढ़नी का लेस लगाऊं ली मैं और लहंगा को कटिंग कर ला है। तो ये सादा लहंगा बुकरम लगा सिला ला पा, तो लहंगा के लिए मैं 7 मीटर कपड़ो ले ली, लहंगा के लिए 7 मीटर कपड़ो ले लिया मैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो ये कपड़ो ले ली। और पहना की लंबाई नाप पर बताऊ छू मैं था ना, लहंगा की लंबाई 40 इंच कर ला पा, 40 कर ला, तो पहना की लंबाई में ले चुकी मैं बता रही था ना, 40 इंच ले चु पहना की लंबाई है ना। तो 1 इंच आप फोल्ड भी नीचे पट्टी में भी आओली, 1 इंच नीचे जाओली ऊपर भी जाओली नेफा में भी चुन्नट में। तो या फिर आप 39 इंच रह तो 39 में 1.5 इंच को आप नेफो रह जाओ लो, नेफो थोड़ा सा चौड़ो कर लाई को। तो यहाँ की पहना की कटिंग कर लिया जा बाबा ना, बिछा रखी चू मैं यहाँ फोल्ड कर पहना ना, बिछा ली मैं पहली इन बिछा वो कौन बताई बिछा ली पहना नाइफ में, 7 पहना कर ली का। तो ये पहना की आटा सो कटिंग कर ले ला बस अन्ना अलग बिग साइड से भी अलग कर ले ला, और बुकरम वाली पट्टी लगाऊ लाई का। और अस्तर ली चू मैं 5 मीटर, 2 मीटर ले चू बुकरम के लिए और 3 मीटर ले चू अस्तर के लिए। देखो यह कपड़ो ली चू बहुत अच्छा कपड़ो जो 3 मीटर तो अस्तर लगाऊंगा अम्ब्रेला कट और 2 मीटर बुकरम सिलाई कर लाई मैं। तो यह लीजू तो आप पहना की कटिंग पूरी कर लिया जा। तो ये 7 पहना की कटिंग हो गया अपने है ना। अभी हमसे थोड़ो सो कपड़ो बचे सो जी हमसे नेफो निकाल लेंगे आप, यह वालो हमसे नेफो निकालूंगी मैं। कमर भी 40 ही करा लेंगे आप, लिखेगा 5 6 इंच चौड़ो कर दी छो आज मैं, क्यों लंबाई अगर कम दी तो फिर चौड़ो जाओ मैं आप ना। तो यह निशान लगा रही छू मैं, और ये निशान लगाई थी ना जन्ना सो कटिंग कर ले ला पा। पर कटिंग कर लिया आप, अभी कस्तर की कटिंग कर ला पा, नहीं तो अगले स्तर भी कटा ला। अगले स्तर की कटिंग कर ले ला, अस्तर के लिए लेपा का अस्तर लगा हुआ जरूरी क्योंकि पतलो छे कपड़ो। तो ये एक ऊपर बिछा ले ला अस्तर के ऊपर, बिछा ले ला ना लेपा कपड़ो लिया जी ना अस्तर के ऊपर। अब ये अस्तर की भी कटिंग कर ले ला लेपा के लिए। तुम्हारा वीडियो तो पूरा देख जो, देखो ये काट लिया स्तर तो नेपो कटो, हम स्तर की कटिंग कर ला हमारे लग कट। तो ये स्तर बिछा ली मैं ना, अभी पे आप 12 इंच पे निशान लगाऊंगा कमर वालों, 40 हो जाओगे फिर आपने ये निशान लगा लेंगे। और अगर लंबाई को लगाऊंगा तो लंबाई को लगाऊंगा 37 पर,
तो ये निशान तो लगा लिया, अब कटिंग कर ले लापा। अंडा सु नीचा सु कटिंग कर ले ला, निशान लगा ले अंडा सु कोई तो लिखा सु। तो ये आप कपड़ों रखती है अंदर दूर दूर जिन्ना, तो ये अंदर कटिंग कर ले लापा। ये तो लिखा सु कोस्टर की वो की कटिंग ना वापा बुकरम के लिए कपड़ा की कटिंग कर ला, उसको बताऊं था ना ये लीजू के लिए फोल्ड कर बिछा ले ला पा। जब बिछा ली मैं अभी एक निशान लगाऊं ला पा 8.5 इंच पे। निशान लगा लेंगा पूरी पट्टी पे लगा ले ला वाले निशान। तो अभी निशान लगाया जो ना तू कटिंग कर ले ला को। तो पूरी पट्टी की है कटिंग कर ले ला। तो आपने लहंगा की पूरी कटिंग होगी, अब सिलाई बताऊंगी था। तो अब पहले ये पैना की सिलाई कर लेला, सारा पैना जोड़ लेला यही तरीका सु। तो आप लहंगा में पूरा जो ना 9 मीटर घेर रह लो, तो बहुत सुंदर सादा चुन्नट वालों लहंगो बन तैयार रह लो या। तो ये तरीका सु मैं पैना जोड़ ली चू, पूरा सारा पैना जोड़ लेला पा है ना। तो बहुत अच्छो जो अस्तर वालों लहंगो जो अपनो, तो ये तरीका सु पैना की सिलाई कर रही चू सारा की मैं। तो पैना की सिलाई तो होगी, अब ये बुकरम वाला पट्टी तैयार कर ले ला पा। बुकरम सिला लाई मैं 9 मीटर गहरी हो जाते, 9 मीटर लंबी पट्टी ली चू मैं या आप भी मैं लगावा वे। तो यहाँ सारा जोड़ ले ला ना, तो सारा जोड़ ली अभी का अंदर बीच में जो ना बुकरम रख ली, और बुकरम रखकर सिलाई कर ला पा। वे देखो बीच में रखकर सिलाई कर रही चू मैं बुकरम की, तो सारी पट्टी नहीं है सिल लेला। ये तरीका से सिलाई कर रही छूँ, और ये पैना जोड़ा जीजी का ऊपर रख देंगे इन्हें, और यार रख और सिलाई कर रही छूँ। अब यहाँ रख सिलाई कर लू ली मैं, आने का जोड़ लेला सारी पट्टी ना पा, क्योंकि घेर काफ़ी चे जिस टाइम तो लाग गई चे फिर, और घेर भी अच्छा हो जाओ ला अपना लहंगा में। और तो देखो ये अंदर की साइड फोल्ड कर दी मैं पट्टी ने, और यह लेस लगा रही चू, दूसरी सिलाई बाद में करूँ ली मैं। तो पहली यह यहाँ फोल्ड कर रही है लेस लगा दी, साथ में ही मैं समोसा वाली लेस लगा रही चू या ई तरीका सो, यह लेस लगा रही चू मैं। तो अब यह अंदर वाली साइड फोल्ड कर ला और सिलाई कर रहे थे, बाद में को ऊपर लेस भी लगाऊ लगे समोसा वाले आपा। तो ई तरीका से सिलाई कर रही चूँ मैं, आराम से खींचे ना, नहीं तो बड़ पड़ जाओ जो पट्टी में फिर चुन्नट आ जाओ जो सादा हम कोई चुन्नट को ना लेंगा मैं। तो ई तरीका से वो कर दूँगी मैं पूरी सिलाई। अब यह समोसा वाली लेस भी लगा दी मैं एक ऊपर, सिलाई करे जी को ऊपर ही लगा रही चूँ या ये तरीका से लगाई चू मैं पूरी पट्टी पर लगा दी। अब यह नेपो तैयार कर रही चू, नेपा का भी अस्तर छ, तो अस्तर ने सिलाई कर लेला पहली, क्योंकि फिर इकट्ठो को नो तो चार ही मेर सिलाई करूँ ली मैं अस्तर का नेपा का साग नेपा वाला कपड़ो जिया। तो देखो इंगी का कर ली मैं या और फोल्ड कर लेला दोनों तरफ से, नेपान फोल्ड कर रही थी दोनों तरफ से मैं। तो फोल्ड कर ली, अब यह अस्तर तैयार कर ला। तो अस्तर का कपड़ा जुड़ लो लंबाई कम जी, तो ये ना जोड़ सिलाई कर लेला पूरा ना, और फिर फोल्ड कर लेला अस्तर ना। तो यहाँ उन्हीं का सिलाई होगी, और अब फोल्ड कर रही थी मैं 1-1 इंच अंदर ये तरीका से फोल्ड कर ले ला पा।
आप फोल्ड कर रही हो तो मैं फोल्ड कर ली। अब साइड में सू लहंगा को जोड़ दिया अस्तर ने दोनों तरफ सू, और फिर लहंगा के साथ ही नेपा के साथ सिल ले लाई ना, सादा लहंगा का नेपा के साथ सिला जाए पहली, फिर एक ऊपर चुन्ना टा डाला जाए अस्तर के ऊपर। तो यहाँ उन्हीं का मैं ये चुन्ना डालू ली बारीक वाली, पूरा में चुन्ना टा डालू ली है, ये चुन्ना टा डाल रही छू, तो ये चुन्ना टा डाल रही छू मैं यहाँ पर, तो पूरी चुन्ना टा डाल लेंगा आप ये तरीका सो। बारीक बारीक चुन्नटा डाला या आठ पहना चाहते तो नेपा पर आठ खंड के निशान लगा लेंगा, और यह अंदर की साइड फोल्ड करा ला ये तरीका सो। बाद में पर लेस भी लगावला पा, तो यह लेस लगा रही चुमा अब नेपान सिलर है। ये लेस लगा देंगे अब, और ये लास्ट वाला पहना ना सिलाई कर लेला अस्तर का साथ ही, अस्तर भी जोड़ा लेगा साथ ही, और ये तरीका से सिलाई कर लेला पूरी आप। तो आप लोग लहंगो पूरा बन रहा तैयार है, जाओ लो फिर। तो देखो यहाँ उन्हीं को बन रहा तैयार ही हो जाए, वो तो अस्तर तो इकट्ठे हो रहे जी का अंदर से ही वो नहीं हो नहीं, लहंगो बहुत सुंदर बन रहा तैयार ही हो जाए।